बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द किचन सीन्स। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान स्पेशल में हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, बहुत ही जायकेदार चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी है। तो इस स्प्रिंग रोल को बनाना भी बहुत ईजी है। देखिए कितना क्रंची, कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन को हमें हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। तो अदरक लहसुन को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। यहाँ पे अदरक लहसुन को हमने 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट करके लिया है। आप चाहें तो इसमें चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमें चिकन के पीसेस को अदरक लहसुन के साथ जब तक भूनना है तब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन के पीसेस एकदम सफ़ेद हो गए हैं। तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब चिकन के साथ मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मसालों को हमें चिकन के साथ भून लेना है जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, यानी मसालों का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए। तो मसालों को हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है चिकन के साथ। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पर हम 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स कर लेना है, और इसे कवर कर देंगे, और कवर करके इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पर चिकन के पीसेस बहुत छोटे छोटे हैं, ये जल्दी से गल जाएंगे। तो इसे अब अच्छी तरह से हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, जिसे हमने पतला एंड लंबा कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने 1 गाजर का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को हमने पतला एंड लंबा इस तरीके से कट कर लिया है, और इसका बीज निकाल करके हमने कट किया है। यहाँ पर गाजर और शिमला मिर्च को हमने पहले ऐड किया है, इसलिए कि इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। जिसे हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप कैबेज, इसे भी हमने इस तरीके से यानी पतला एंड लंबा कट कर लिया है। स्प्रिंग रोल है तो स्प्रिंग रोल में जो भी सब्ज़ियाँ काट करके डाली जाती हैं वो जूलियन कट करके डाली जाती हैं। तो हम भी जूलियन कट करके सब्ज़ियों को इस तरीके से डालेंगे। और हाँ, इसमें से जो भी सब्ज़ी आपको पसंद ना हो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग रोल इन्हीं सब्ज़ियों के साथ मज़े के लगते हैं। तो अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से सब्ज़ियों को हमें मिक्स करना है, और यहाँ पे इसे हम कवर कर देंगे और दम वाली आंच पे रखेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो गया है, सब्ज़ियाँ हमारी स्टीम में ही सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप। तो टोमेटो केचप से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे आप ज़रूर ऐड करें। तो इसे अब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, और गैस का फ्लेम इस पॉइंट पे हम ऑफ़ कर देंगे, और इसे ठंडा होने देते हैं। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर एक पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर हमने 1/2 कप मैदा लिया है, उसमें हमने 1/4 टीस्पून नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो मैदे का जो हम घोल तैयार करेंगे उसे ना हम ज़्यादा पतला करेंगे और ना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसमें घोल तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। दूसरी तरफ एक बाउल में हमने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। तो कॉर्नफ्लेक्स को अब हमें क्रश करना है इस तरीके से। ज़ाहिर सी बात है, जब हम कुरकुरा सा स्प्रिंग रोल बना रहे हैं तो उसकी कोटिंग के लिए हमें कुछ कुरकुरा सा ही लेना पड़ेगा। तो हल्का हल्का सा ही हमें कॉर्नफ्लेक्स को तोड़ लेना है, ये नहीं कि इसका हमें पाउडर बना लेना है। यहाँ पर हमने स्प्रिंग रोल शीट लिया है, ये हमारा होममेड
स्प्रिंग रोल शीट है। अब हम इसमें चिकन और सब्जियों को जो स्टफिंग तैयार की है अच्छे से इसमें हम रख देंगे क्वांटिटी में, और इस तरह से हमें अपने स्प्रिंग रोल को फोल्ड करना है। अब इसे हम साइडों से इस तरह से बंद कर देंगे। यहाँ पे जो हमने मैदे का घोल तैयार किया है इस पर लगा लेंगे, और इस तरीके से इसे हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर भी हम मैदे का घोल लगाएंगे और इसे इस तरीके से हम पैक कर लेंगे। बस इसी तरीके से इसे हमें बना लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक दूसरा रोल भी इसी तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मैदे का घोल लगाएंगे, और इस तरीके से फोल्ड करके हम स्प्रिंग रोल तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से सभी हमने बना के तैयार कर लिया है। अब स्प्रिंग रोल को सबसे पहले हम मैदे में डिप करेंगे इस तरीके से। इसके बाद इसे हम कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लेंगे। सबसे पहले इसमें हमने मैदे से कोट किया है, मैदे के पेस्ट से, तो कॉर्नफ्लेक्स अच्छी तरह से इसे कोट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। यहाँ पर इसे हमने कोट कर लिया है। इसी तरीके से सभी स्प्रिंग रोल को हमने कोट करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म कर लिया है। अब हम इसमें स्प्रिंग रोल शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब स्प्रिंग रोल को हम चारों तरफ से अलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे हमने फ्राई कर लिया है, बहुत अच्छा कलर आया है, बहुत क्रंच बनकर तैयार हुआ है, और इसे फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पे जितना स्प्रिंग रोल हमें सर्व करना था हमने फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना कुरकुरा क्रंची ये बनकर तैयार हुआ है। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे स्प्रिंग रोल की बहुत ही कुरकुरी क्रंची, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो इसे हमने सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ। आप अपने पसंद के किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह।